आज हम तोरण पट्टी बनाने जा रहे हैं जो कि धागे से बनाएंगे। ये 7 नंबर की क्रोशिया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है ये। हम पहले शुरू में 30 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 चैन ले लिया हमने। और फिर 2 चैन एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2। अब ये 2 चैन छोड़ करके हमें 30 चैन से अब इसमें हर चैन में एक एक क्रोशिया बुनना है। अभी बुन करके हम दिखाते हैं आपको। देखिए हमने ये पूरा चैन क्रोशिया बुन करके भर लिया है। अब 2 चैन ले करके और ऐसे पलट गए ऊपर बीनेंगे। यहाँ हमें 5 क्रोशिया बीनना है। हर क्रोशिया में क्रोशिया डालना है। 1 2 3 4 5 5 क्रोशिया हमने बुन लिया। देखिए 1 2 3 4 5 क्रोशिया। अब यहाँ पर हम 8 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन लेकर के यहाँ वैसे इसे नापेंगे कितना तक आ रहा है। यहाँ पर हम कितना तक आया, कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 क्रोशिया छोड़ के हमें ऐसे यहाँ पे 5 क्रोशिया बुन लेना है। 1 2 3 4 5 5 क्रोशिया। फिर 8 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चैन लेकर के फिर हम यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे हम नाप के ऐसे और फिर यहाँ 5 क्रोशिया बीनना है। अभी दिखाते हैं। देखिए हम ये पूरा राउंड आ गए हैं। और फिर यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है पलट के। हम 5 ही क्रोशिया 5 के सामने बीनेंगे और ये दूसरा लाइन भी ऐसे ही जैसे हम ये नीचे की लाइन लाए हैं वैसे ही हमें बीनते जाना है। 8 चैन लेना है। फिर 5 क्रोशिया बीनना है। फिर 8 चैन फिर 5 क्रोशिया हम बीन करके दिखा रहे हैं। अभी देखिए हम दूसरा लाइन भी बीनते हुए चले आए। अब यहाँ हमें फिर 2 चैन लेना है और ऐसे पीछे की तरफ फिर पलट जाना है। इसे हम ऐसे ही पलट पलट के बीनते हुए ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ 5 क्रोशिया बीन करके ऐसे 3 चैन लेना है। इसे हम ऐसे देखिए ऐसे करके ऐसे धागे को ला करके ऐसे हम इसको बांध देंगे ऐसे। फिर हम 3 चैन लेंगे। 1 2 3 और फिर यहाँ 5 क्रोशिया हमने बुना है। बीच में 5 क्रोशिया हमें बुनना है।
देखिए, ऐसे ही मैं फंसा के तीनों को एक ही में बांध लेना है। फिर तीन चैन लेकर के फिर क्रोसिया के ऊपर क्रोसिया बुनते हुए चले जाना है। ऐसे ही हमें बिनते हुए चले जाना है और फिर इसके ऊपर फिर बिनना है कैसे बता रहे हैं। देखिए अब इसके ऊपर फिर पांच ही हमें क्रोशिया बिनना है, दो चैन लेकर के ऐसे दो चैन लिया, फिर पांच क्रोशिया बिन करके हमें क्रोशिया बुन लिया। फिर हमें आठ ही चैन लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ चैन लेकर के फिर हमें यहाँ क्रोशिया जहाँ है उसी के ऊपर फिर हम पांच क्रोशिया बुनेंगे बीच में ऐसे। ऐसे ही देखिए ऐसे ही हमें बुनते हुए चले जाना है। थोड़ा बुन करके हम दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी बनाइएगा। देखिए एक बार फिर हम बता रहे हैं आपको बांधने का तरीका, ध्यान से देख लीजिए। एक दो तीन, तीन चैन लेकर के हमें ऐसे फंदा लेते हुए ऐसे फंसा के ऐसे बांध देना है, एक दो तीन, और फिर हम क्रोशिया के ऊपर क्रोशिया बिन के बिनते हुए ऐसे चले जाएंगे। ऐसे ही ये लंबी तोरण पट्टी तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसे कैसे हम लोग तोरण गेट बनाएंगे वो बताएंगे। ऐसे ही आप लोग भी बनाइए और ट्राई कीजिए। अब हम तैयार करके दिखाते हैं आपको। देखिए ये हमने तोरण पट्टी तैयार कर ली है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग भी बनाइए और ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए कि मैं और भी अपना वीडियो डाल सकूं। थैंक यू।